फर्स्ट ख़त्म नहीं, सेकंड शुरू हो गया। वारा खेल वारी दुनिया। तो मतलब मेरा ये है कहने का कि अभी आप लोगों का सेमेस्टर फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसके एग्ज़ाम नहीं हुए। अब वो होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर आपका शुरू हो गया। तो आज 1 फरवरी है, टुडे इज़ 1 फेब, एंड फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर सेकंड सेमेस्टर बीएससी पार्ट वन। देखिए बीएससी पार्ट वन केमिस्ट्री सेमेस्टर सेकंड पेपर वन। पेपर वन जो है थ्योरी का है और पेपर जो सेकंड है वो प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल आप जानो अपने कॉलेज में, मैं तो आपका थ्योरी का खेल बताने आ रहा हूँ। और ये सेमेस्टर आसान नहीं होने वाला। सेमेस्टर वन में आपको ऑर्गेनिक की एक एक बारीकी सिखाई गई। अब मान लो आपने उसको नहीं किया, आपने कहा अरे सेमेस्टर वन तो होना ही नहीं है, हुआ ही नहीं, पढ़े ही नहीं, बल्ले बल्ले, ट्वेल्थ की तरह इसमें भी मज़ा आ गई। मगर अब आप इसमें जाल में फंसने वाले हो क्योंकि ये पूरा सेमेस्टर हाईली मेनली बायोलॉजिकल है। केमिस्ट्री तो है ही, ऑब्वियस है, केमिस्ट्री का पेपर ही है, लेकिन बायो बेस पे खड़ी है। मैथ्स के नाम पे अभी भी कुछ नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स बायो वाले हैं उनकी तो बल्ले बल्ले, और जो मैथ्स वाले हैं अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो उनकी थल्ले थल्ले, ध्यान रखना। ये मैंने आपका सिलेबस ब्रीफली मैंने लिख दिया। देखिए पहले कोर्स का टाइटल ही समझ लीजिए कि उसकी शुरुआत ही हो रही है बायो इनऑर्गेनिक। हालांकि मुझे इसमें ऑर्गेनिक वाला पोर्शन ज़्यादा दिख रहा है एंड मटेरियल्स केमिस्ट्री। ये आपका कोर्स का टाइटल है, यानी सेमेस्टर सेकंड में ये आपका टाइटल है। देखिए टोटल यहाँ पर आपके 8 चैप्टर हैं। 8 में एक जो चैप्टर है दिस वन सॉलिड स्टेट 5th वन, ये आप मान के चलिएगा कि ये है फिज़िकल केमिस्ट्री। यहाँ पे मैथ्स वालों को थोड़ा सा रेगिस्तान में पानी नज़र आएगा, बायो वालों का तो मज़ा है। अच्छा यहाँ पे भी 6th और 7th टॉपिक में भी थोड़ा सा मैथमेटिकल काम है। बाकी आप देखिए पहला टॉपिक केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पूरा डिटेल है। अभी कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएससी 3rd ईयर में होती है केमिस्ट्री, और वैसे 12th में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा, लेकिन 12th में बहुत ब्रीफ होता है, उनमें क्वेश्चन बड़े हल्के आते हैं, स्ट्रक्चर पे कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ बहुत हैवी है और बहुत ज़्यादा इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री की ज़रूरत है। तो पहले जो 3 चैप्टर है वो मैं पहले लूँगा। ये सब कॉपी पूरी अपनी कॉपी बनाना शुरू करिए, नोट्स यहीं से बनाना शुरू करिए। आपके लिए एक सजेशन ये है कि जो 3D केमिस्ट्री थी, स्टीरियो केमिस्ट्री जो मैंने आप लोगों को करवाई थी सेमेस्टर वन में, तो वो कॉपी अभी भी रखी है आपके पास में, क्योंकि अभी भी सेमेस्टर वन के पेपर हो सकते हैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके वो पेपर हो जाए, क्योंकि वो पेपर होंगे तो आप इसको ज़रूर पढ़ोगे।
तभी ये तीन चैप्टर आप अच्छे से कर पाओगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ज़बरदस्त चैप्टर है ये तीनों चैप्टर। तो पहले मैं ये तीन चैप्टर उठाऊंगा। ये चैप्टर बीएससी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री कहीं नहीं है, अभी तक कभी नहीं आया ये टॉपिक, मेडिसिनल केमिस्ट्री। बहुत लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे, ठीक है। इसमें ड्रग्स के बारे में, दवाओं के बारे में कुछ आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैंने ये पेपर एमएससी फाइनल में पढ़ाया है। एमएससी फाइनल में 16 पेपर होते हैं इलेक्टिव, उसमें आप कोई भी तीन पेपर ले सकते हो। पहले चार पेपर ले सकते थे, अब आप कोई तीन पेपर ले सकते हो। तो वो जो तीन पेपर हैं आपके, उसमें वो चॉइस के ऊपर होता है, आप अपने हिसाब से 16 में से कोई तीन पेपर ले सकते हो। तो उसमें एक पेपर मेडिसिनल केमिस्ट्री है। तो कानपुर यूनिवर्सिटी में मैंने जिन स्टूडेंट को पढ़ाया, उनमें कुछ स्टूडेंट ने मेडिसिनल केमिस्ट्री ली हुई है। तो मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हाँ मुझे उसका एक मतलब भर का एक आइडिया है मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। ये थोड़ा टफ होने वाला आपके लिए। बाकी सॉलिड स्टेट में मैथमेटिक्स तुम्हें दिखेगी, सॉलिड स्टेट का एक हिस्सा आप लोग क्लास ट्वेल्थ में पढ़ चुके हो। पॉलीमर को भी थोड़ा सा आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा था, वैसे डिलीट कर दिया गया था तो बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा। तो ये चैप्टर भी नया है ये चैप्टर, लेकिन आपका इन दोनों चैप्टर में थोड़ी सी फिजिकल है, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म। और ये डाई है, इसमें 8 डाई हैं, 8 डाइज हैं, उनके आपको रिएक्शंस पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक काफ़ी टफ होने वाली है भाई। सोचिए अभी तक जो थर्ड ईयर में बच्चे पढ़ते थे, अब वही फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, क्या हालत होगी। और ईश्वर ना करे, प्रभु ना करे, आप ऑर्गेनिक में कमज़ोर हो, बाई गॉड ये पेपर चौपट होना तय है, समझो। इसलिए बेसिक चीज़ों को मजबूत करो। मेरे चैनल में जाइए, सर्च करिए, बेसिक टॉपिक्स को थोड़ा पढ़िए, ऑर्गेनिक को, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप डिमांड करोगे किसी टॉपिक की, मैं आपको वीडियो लिंक आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। और कॉपी बनाइए, कॉपी में सब पूरा लिखिए। ये तो ये 8 टॉपिक है, और ये टिक का मतलब है ये भैया करने तो सभी हैं, लेकिन पहले हम इन 3 चैप्टर को बेस बनाएंगे। जाहिर है कि 3 चैप्टर का मतलब, अरे सिलेबस का करीब करीब 40% हो गया, 40% हो गया, ठीक है। तो मैं अब इसको साफ कर देता हूँ। पेपर के नाम हो गया, पेपर के नाम है नहीं मालूम रहते लोगों को। तो हमारा पेपर जो है सेमेस्टर सेकेंड का कोर्स टाइटल बायो इनऑर्गेनिक एंड मटेरियल केमिस्ट्री। ये मैंने जब बैच शुरू किया था और जब ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप देखना कि आप लोगों के पास सबसे ऊपर सबसे पहले ये सिलेबस है, उसमें आप जाके डिटेल भी देख सकते हो। एक सजेशन और है, क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी, क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी, बायो इनऑर्गेनिक वाला टॉपिक और पॉलीमर का, उसको मैं उसका हिस्सा यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं शुरुआत आपकी करता हूँ चैप्टर वन से। कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन कार्बोहाइड्रेट करने के पहले प्रॉब्लम ये है कि हमें इसमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा
बिना उन बेसिक्स के इस चैप्टर में काम कर पाना मज़ा नहीं आएगी, सब कुछ रटना पड़ेगा। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो पहली बात अबाउट थ्री फंक्शनल ग्रुप्स, तीन फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको जानना है। एक जानना है OH, एल्कोहल, एल्कोहल सभी जानते हो RH होता है। दूसरा CHO, एल्डिहाइड, जिसको हम लोग RCHO लिखते हैं। और तीसरा होता है कीटोन, RCO, RH। ये तीन फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। बिना इनके कार्बोहाइड्रेट में कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले तो हमको ये चीज़ चाहिए। दूसरा, हमको चाहिए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये बात चीज़ हम लोगों ने सेमेस्टर वन में पढ़ी। बिना इसके आप कार्बोहाइड्रेट नहीं कर पाओगे, बेहद परेशानी होगी। और ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बस इस पेपर में एक ही अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादातर टॉपिक जहाँ 3D केमिस्ट्री परेशान करती है, वो मेरे फेवरेट टॉपिक है, वो मेरे स्पेशलाइज्ड टॉपिक है। उसमें मुझे पढ़ाने में बड़ी मज़ा आती है। स्ट्रक्चर के खेल में आप लोग जानते हो मुझे कितनी मज़ा आती, तो वो मेरे फेवरेट, ये पूरा सेमेस्टर मेरा फेवरेट है। एक सिर्फ मेडिसिनल केमिस्ट्री में थोड़ा काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि MSc के टॉपिक थोड़े यहाँ से अलग भी, वो थोड़े हाई हैं, इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, दिक्कत नहीं होनी उसमें। बाकी तो सारे मेरे फेवरेट टॉपिक। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसके बारे में पढ़ना है, जो DL कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो चूंकि ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, इसलिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। DL कॉन्फ़िगरेशन खोल के निकालना, पढ़ना, समझना, तो ये इससे मेरा थोड़ा काम बच गया, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ये पूरा मैंने डिटेल में पढ़ाया है। लेकिन इनके बारे में कुछ नहीं आया फर्स्ट सेमेस्टर में। 12th में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, भूल गए, इसको उठाने की ज़रूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए मुझे लगता है इन दो बेसिक से हमारा काम चल। हाँ, एक चीज़ और थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, और वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एट्सेट्रा। तो इन चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो दो चीज़ें हम लोग सेमेस्टर वन में कर चुके हैं। अब आप लोग का काम ये है, इसको आप आज इसको DL कॉन्फ़िगरेशन ये सब थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो, ये बात में ज़रूर है कि पेपर टिपिकल है, ट्रिकी है पेपर, लेकिन एक बार प्रॉपर नोट्स, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर है,
तो अब नोट्स का बड़ा खेल है, और मेरे नोट्स किताबें नहीं होती हैं। मेरे नोट्स में मैंने किताबों से ही सीखी केमिस्ट्री, लेकिन मेरे नोट्स में मेरी अपनी स्टाइल होती है। ठीक है, तो वो मैं यूज़ करूँगा, वो नोट्स बहुत क्रूशल होंगे। ठीक है, तो अब आपको मैं ये दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमको काम करना है। तो हमको काम अब शुरू करना है यहाँ से, अबाउट थ्री फंक्शनल ग्रुप्स। तो मैं इन तीनों के बारे में कुछ कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ, उनकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। अब मैंने पहले नंबर पे लिया अल्कोहल। अल्कोहल में जैसा हम जानते हैं कि अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप होता है, और मैं OH के बारे में आपको बताऊंगा। ऊपर वाला भी मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह मिल जाएगी, तब तक आप लाइक कर दो, कभी कभी कुछ कमेंट भी अच्छा कर दिया करो, छोटा सा अच्छा लगे वीडियो तो, नहीं लगे कोई बात नहीं, लाइक तो कर ही दिया करो। अब देखो, अब हमने लिया अबाउट OH ग्रुप, मतलब अल्कोहल जो होता है उसके बारे में। तो देखो, एक तो पहला कि कहीं पर भी अगर OH होगा और उसकी रिएक्शन PCl3 या PCl5 या SOCl2, तीन में से किसी से करवाएंगे। कौन कौन? PCl3, PCl5 या SOCl2। इनमें से अगर हम किसी से करवाते हैं तो OH की जगह आता है Cl। OH इज रिप्लेस्ड बाई Cl इफ वी रिएक्ट द कंपाउंड विथ एनी वन ऑफ दीज रिएजेंट्स, PCl5, PCl3 और SOCl2। सो वी ऑब्टेन RCl। OH इज रिप्लेस्ड बाई Cl। इसको जहन में ऐसे रखो और अच्छा लगेगा। जब फीवर आता है तो पैरासीटामोल खाते हैं, डोलो नाम से मशहूर है, वो ब्रांड नेम है, उसके अंदर का जो ड्रग है वो पैरासीटामोल है। और ये हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में तमाम ड्रग के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के डॉक्टर भी बन जाओगे, कम से कम डॉक्टर से बात कर सकते हो। तो ये देखो तुम्हारा रूल हुआ। अब मैं देखो पूरी पूरी रिएक्शन बता रहा हूँ। ROH प्लस PCl3 क्या बना भाई? RCl बना। बोला OH की जगह Cl आ गया, बाकी O का क्या हुआ, H का क्या हुआ, P का क्या हुआ और बाकी Cl का क्या हुआ? तो भैया इन्होंने मिलके जो बनाया झटका देने वाला था, और झटका देना तो मतलब लर्न करना। अगर ये निशान आपको दिखेगा तो मतलब भैया उसको घोट लो, बस याद यह है कि OH की जगह Cl आएगा, वो ठीक है, लेकिन और क्या बनेगा? H3PO4 नाम सोचिए, नहीं याद आया? फॉस्फोरस एसिड, थोड़ा बैलेंस कर लिया जाए, 3 Cl इधर तो 3 RCl, 3 R इधर, बैलेंस हो गया। दूसरा ROH प्लस PCl5। अच्छा, नाम फॉस्फोरस
ट्राई क्लोराइड, तो PCl5 का नाम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और SOCl2, ये सबको याद होंगे, ट्वेल्थ में काफ़ी आते हैं, थायोनिल क्लोराइड। तो PCl5 से करोगे तो भी बनेगा, OH की जगह आएगा, OH को रिप्लेस करेगा Cl और बनेगा POCl3 प्लस HCl। खाओ कुरकुरे, लेकिन POCl3 नाम फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन हमको लर्न करनी पड़ती है। तीसरे नंबर पे ROH प्लस SO2, इसमें भी OH की जगह आएगा Cl, SO2 बनेगा, HCl बनेगा। तीनों में खूबी क्या है कि OH की जगह रिप्लेस होगा और उसकी जगह आएगा Cl। तो ये तीन ये याद करो, ये रिएक्शन जब हम करेंगे ग्लूकोज की फ्रक्टोज की, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इन रिएक्शन की। अगर ये रिएक्शन नहीं आएंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ने में कुछ मन नहीं लगेगा, सब रटोगे खाली। जो रटने वाली चीज़ है वो ये बेसिक चीज़ है, ये रटा जाता है बस, इसके दम पे ये बन जाती है। अब एक ये रिएक्शन रटनी पड़ती है क्योंकि H3PO3 बनता है। देखो तीनों में खूबी तुमको दिख रही होगी, देखो ये OH आया OH की जगह Cl, ये OH आया Cl, ये OH देखो आया Cl। मैंने इसमें निशान लगाया, ऑब्वियस है कि रूल तो भैया याद करने पड़ते, मुझे भी याद करने पड़े, ठीक है, डॉक्टर भी याद करता है कि अगर BP होगा हाई तो कौन सी मेडिसिन देनी है। तो ये याद करना, ये तो हमको रूल तो याद करना पड़ेगा, लेकिन ये सब निकलती है। ये दो रिएक्शन को आप और सरल तरीके से भी याद कर सकते हैं। देखो फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड, तीसरा नाम थायोनिल क्लोराइड। अब देखिए OH ग्रुप के बारे में, मैं यार सेकेंड थर्ड वाले रिएक्शन को थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए ये है ROH और ये है PCl5, इतना सरल है रिएक्शन। एल्कोहल के साथ देखो यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, मतलब इसको आज के बाद याद नहीं करना है। देखो बन गया, एक तो बना RCl, POCl3
और HCl, तो याद करने का कोई चक्कर नहीं। और ये देखो ROH, और ये देखो SOCl2, मतलब दोनों में कॉमन है, एक ClR को मिलता है, एक ClH को मिलता है। जैसे ही एक दो बार ये लिखोगे सब समझ में आएगा, RCl, SO और O, SO2, H और Cl, HCl। इससे थोड़ा रिएक्शन तुम्हारे लिए रूल याद करना, फिर भी ये याद रखिए, इफ़ वी वॉन्ट टू रिप्लेस OH ग्रुप बाय Cl, देन वी शुड यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3, PCl3, PCl5 एंड SOCl2। ठीक है, तो ये हमारा OH ग्रुप के बारे में एक पहली बात हुई। अच्छा, इतने से काम थोड़ा ना चलेगा, अभी एक आध बातें और देखते हैं, और फिर अगर कोई छूट गई एक आध तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ाते समय बता दूंगा, इससे काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब मैं अगर अभी आपको कार्बोहाइड्रेट शुरू करूं, जो सभी करते हैं, अभी से चालू कार्बोहाइड्रेट, ना बच्चों को एल्कोहल याद, पिछले 6 महीने से जो पढ़ा उसमें कुछ पढ़ा नहीं, उसके पहले जो ट्वेल्थ में पढ़ा वो सब भूल गए, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ थर्ड ईयर में पढ़ी जाती है वो फर्स्ट ईयर में ही चल रही है, तो इसलिए पढ़ाने के तरीके में मैंने थोड़ा बदलाव किया है। अच्छा, अब आते हैं डी नंबर पे, कि एक रिएक्शन है एसिटिलेशन या एसाइलेशन, एच ऑफ OH ग्रुप रिप्लेस्ड बाई COCH3 ग्रुप H ऑफ OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई COR ग्रुप। मतलब एक नाम स्पेसिफिक है और एक नाम जो है मतलब जनरल है। जैसे देखो, एसाइल ग्रुप होता है COR और एसिटिल ग्रुप होता है COCH3। तो एल्कोहल में ये खूबी होती है कि OH के H को हटाकर COCH3 आता है, तो इसके दो रिएक्शन है। पहला मैं लिख रहा हूँ विद एसिटिल क्लोराइड, उसका फॉर्मूला CH3COCl। अब देखिए, ये है ROH और इसकी रिएक्शन ऐसे हमने कराई CH3COCl से, तो ये वाला H और ये वाला Cl निकल जाएगा, और इस वाले C से ये वाला O जुड़ेगा। क्यों? O पे कुछ टूटा, C पे कुछ टूट निकला, टूटा टूटे टूटे को जोड़ दो, इधर से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। देखो CH3, ये CH3C डबल बॉन्ड है, ये एक फ्री वैलेंसी है, Cl निकल चुका है, H निकल चुका है, उसी फ्री वैलेंसी से OR जुड़ जाएगा। यहाँ क्या निकला? HCl निकला। इसका क्या नाम है? ये ईस्टर है। ईस्टर
मतलब H की जगह पर ये ग्रुप है, ध्यान से अगर देखो तो ये था R O H, R O H, R O H में H की जगह पर CH3CO आया, इसीलिए इसको बोलते हैं एसाइलेशन या एसिटिलेशन, क्योंकि यहाँ पर एसिटिल ग्रुप है। और एक मैं और इसमें दो इसमें मैं लूँगा, दूसरे नंबर पे है दूसरा एक कंपाउंड लूँगा, है ना, इसका नाम तो लिख दिया एसिटिल क्लोराइड, दूसरे नंबर पे होगा विद एसिटिक एनहाइड्राइड, विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा इसमें क्या होगा, तो देखो इसमें ऐसे होगा आर ओ एच प्लस सी एस थ्री सी ओ, सी एस थ्री सी ओ ओ। इसमें क्या होगा, यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, एक एच निकलेगा, सी एस थ्री सी ओ ओ एच, निकालो इसको फेंको। और ये वाला जो ग्रुप है सी ओ सी एस थ्री ओ को यहाँ जोड़ दो उठा के, सी एस थ्री सी ओ ओ आर, तो वी ऑब्टेन सेम प्रोडक्ट, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो वी कैन यूज इधर एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, इन दोनों में से कोई भी लोगे तो OH की जगह पर उसके H को रिप्लेस करेगा COR ग्रुप, यानी कि एसिटिल ग्रुप वो उसको रिप्लेस करेगा। और मैं इसको रगड़ता हूँ भी, अगर ध्यान से नहीं समझोगे देखो, यहाँ पर ये तुम्हारा आर ओ, आर ओ एच को हटा के देखो ध्यान से सी ओ आर, बोला कि ऐसे क्यों लिख दिया, अगर मैं इसको ऐसे लिखता आर ओ, ठीक है ऐसे लिखता उल्टा हो जाता फार्मूला। अगर आपको ईस्टर मालूम है तो ईस्टर हम लोग लिखते हैं आर सी ओ ओ आर डैश, आर सी ओ ओ आर डैश, ईस्टर को लिखने का यही तरीका अच्छा होता है, इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पर करना है तो कैसे करना है, आसान नहीं होगा। अगर तुमने ये चीज़ पढ़ी तो मैं अब एक एग्जांपल सीधे ग्लूकोज का देखना, ये है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट है, इसमें OH चार ये हैं, पांचवा ये है, और इसकी रिएक्शन हमने CH3COCl से कराई, तो यहाँ पर 5OH है तो 5 लगेंगे एसिटिल क्लोराइड, और ये O से अटैच्ड H हटेंगे, अभी हमने बताया O से अटैच्ड H हटेंगे और उनकी जगह पर ये ग्रुप आएगा COCH3, वो क्या बनेगा CHO CH CHO O के बाद COCH3। अच्छा इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया होल 4, और यहाँ पर भी एक है तो CH2O COCH3। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, समझ गए, ऐसे हम लोग को इसलिए करनी है
अभी जो ग्लूकोज दिख रहा है तो उसमें CHO ग्रुप है, तो हमें एल्डिहाइड की भी कुछ रिएक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और OH ग्रुप है। यानी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी रिएक्शन प्रॉपरली थोड़ा बहुत ट्वेल्थ में करते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसीलिए तुमको OH की प्रॉपर्टी, CHO की प्रॉपर्टी, कीटोन की प्रॉपर्टी सब बताना ज़रूरी है ना थोड़ा थोड़ा। एक मेन जो रिएक्शन यूज़ होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब करोगे टॉपिक को तो मज़ा आएगी। अच्छा, ये हमारा OH ग्रुप के बारे में दूसरी जानकारी हुई। अच्छा, अब देखिए बी नंबर पे अबाउट कार्बोनिल कंपाउंड्स, अबाउट कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो कार्बोनिल कंपाउंड के बारे का खेल ये है कि इसमें हम दो चीज़ें लेंगे, एक लेंगे एल्डिहाइड और दूसरा लेंगे कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दो चीज़ें हम लोग लेंगे। अब एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में, पहले एल्डिहाइड दोनों के बारे में कॉमन, तो देखिए पहली बात है कि ये सभी रिएक्शन देते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड के साथ जो थोड़े, ये पढ़े भी होंगे थोड़े से, देखो कितने याद आते हैं तुम लोगों को। अब एल्डिहाइड का पहले देखते हैं, पहले दोनों का कॉमन देखते हैं। जैसे जैसे एक कॉमन रिएक्शन से, मतलब क्योंकि देखो इनमें दोनों में, देखो एल्डिहाइड में ये होता है ये, और कीटोन में ये होता है, तो दोनों में कॉमन क्या होता है, एक कार्बोनिल ग्रुप। तो कॉमन रिएक्शन हम किसके लिए लेंगे, इसके लिए लेंगे, तो दोनों देते हैं। अब जैसे विद HCN सी डबल बॉन्ड ओ HCN प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ओ से HC से CN, सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा, नेगेटिव जुड़ेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये बॉन्ड तोड़ देना। और ये जो कंपाउंड बनते हैं इनको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं इनको, साइनोहाइड्रिन। साइनो हो गया CN और हाइड्रिन हो गया OH, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। और ये हाइड्रोजन साइनाइड है, हर एल्डिहाइड और कीटोन। अगर ऐसे लिखूं तो मतलब समझना एल्डिहाइड कीटोन दोनों, अगर ऐसे लिखूं तो मतलब एल्डिहाइड। अच्छा, अब देखो NH2OH, अब ये है सी डबल बॉन्ड ओ और ये है NH2OH। NH2OH का नाम हाइड्रोक्सिलमाइन,
OH हो गया हाइड्रोक्सिल, NH2 हो गया अमाइन, तो भैया ये H2O निकल जाएगा, H2O निकाल दो, N को यहाँ जोड़ दो, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड N, इनको कहते हैं ऑक्साइम, ऑक्साइम। तो अगर ऑक्साइम किसी कंपाउंड में बन गया या साइनोहाइड्रिन बन गया तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा और या उसमें होगा कीटोन, या तो एल्डिहाइड होगा और या होगा कीटोन। इन रिएक्शन की भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब आप अपने दिमाग पे जोर डालो, कुछ रिएक्शन आपको याद आ रही होंगी। अब तो अकेले बैठे हो, खुद से क्या छुपा, कितने पानी में हो देखते चलो। अगर ये सब रिएक्शन साए 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 दिमाग से जा रही हैं तो समझ लेना कितनी खास है तुम्हारे लिए। अब देखो, फिर मैंने लिया तीसरे नंबर पे, अब हम करा रहे हैं हाइड्राजीन। अब हाइड्राजीन होता है NH2 NH2। अब फिर देखो ये एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड भी है कीटोन भी है, और इसके साथ रिएक्शन हो रही है NH2 NH2 की, तो भैया ये निकल जाएगा H2O निकल गया। इसको निकाल के बाकी हिस्सों को जोड़ दो, C डबल बॉन्ड ये पूरा हट गया, डबल बॉन्ड के बाद N सिंगल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड N, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। और ऐसे ही एक होता है फिनाइल हाइड्राजीन, तो इसमें फिनाइल ग्रुप लगा दो C6H5 NH NH2, ये है फिनाइल हाइड्राजीन। इससे होगी रिएक्शन तो ये भी वैसे ही होगी, NH2 को बस इधर रख देना, इसको मॉलिक्यूल को पलट के रखो तो NH2 NH C6H5, ये H2O निकल गया, C डबल बॉन्ड N NH C6H5, C डबल बॉन्ड N NH C6H5 हाइड्राजीन से बनता है फिनाइल हाइड्राजीन, सॉरी हाइड्राजीन से बनता है हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। हर एक एल्डिहाइड हर एक कीटोन ये रिएक्शन देता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एल्डिहाइड कीटोन का हो गया। अब हम आते हैं ये है ओनली एल्डिहाइड, उसका होगा ऑक्सीडेशन, केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, केवल एल्डिहाइड का। तो केवल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होगा देखते हैं। ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, पहला आर
CHO प्लस O, और ये है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या हुआ, ब्रोमीन वाटर पड़ा होगा, इनके साथ इनकी रिएक्शन से O मिलेगा और ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, इसके अलावा जैसे ये दिख रहे हो तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, एक इसकी भी ऑक्सीडेशन चाहिए, और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं कंसनट्रेट NO3 से तो ये CH2OH ग्रुप CHO में कन्वर्ट होगा और फिर वो RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर RCHO का ऑक्सीडेशन कंसनट्रेट NO3 से कराएंगे तो वो भी, यहाँ भी लिखा है ठीक है, तो ये होता है CHO भी ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन अगर आप इसमें ब्रोमीन वाटर लोगे ना, जैसे RCH2OH यहाँ पे लिखोगे ब्रोमीन वाटर, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसको गौर से देखना, पढ़ो, पढ़ाई शुरू करो, इसलिए कह रहा हूँ। देखो पेपर बड़ा है, पहले में तो एक मैथमेटिकल में बच गया, एक कंप्यूटर, 6 सब्जेक्ट 6 चैप्टर बचे थे, इसमें तो 8 के 8ों पढ़ने हैं और हर चैप्टर बड़ा है। समय फरवरी मार्च अप्रैल मई में पेपर है, 3 महीने का वक्त है, सिर्फ कम समय है। पढ़ाई अभी आज ही से नहीं शुरू करोगे तुम्हारी मर्जी, थर्ड डिवीज़न लाओ नंबर, हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। एक तो ऑक्सीडेशन मैंने ये बता दिया, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा मैं ऑक्सीडेशन लूँगा तो वो होगा, देखो दूसरा ऑक्सीडेशन, हाँ बी नंबर पे है, वे टॉलेंस रेजेंट। देखो एल्डिहाइड प्लस Ag2O यही है टॉलेंस रिएजेंट, ये होता है कलरलेस। कलरलेस होता है, इसकी रिएक्शन होती है, ये तो कलरलेस होता ही है, यहाँ से एक हो जाता है RCOH प्लस 2Ag, ये बनता है सिल्वर मिरर। अगर किसी भी कंपाउंड में CHO ग्रुप है और अगर आप उसकी रिएक्शन कराते हो टॉलेंस रिएजेंट से तो वो सिल्वर मिरर देगा, टेस्ट ट्यूब बिल्कुल चांदी जैसा रंग है तेरा, वैसा चांदी के जैसा बिल्कुल बन जाएगा, ऐसा जैसा ये आपको चांदी का जैसा कुछ दिख रहा होगा ठीक है, तो सिल्वर पूरा बन जाता है, तो ये टॉलेंस रिएजेंट है। अब इसकी डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत समझूंगा जब कार्बोहाइड्रेट में नोट्स बनाऊंगा तो लिखवा दूंगा, अभी तो आप इतना ही समझो ये इसका रिएक्टिंग पार्ट है। फिर उसके बाद हम आए
with failing solution, failing solution. देखिए आर सी एच ओ प्लस टू यू सी ओ, ये है फेलिंग सोल्यूशन और ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का, और जबकि एल्डिहाइड कलरलेस। कलरलेस में जब ब्लू डालोगे दो तीन बूंद, तो अगर ब्लू में कोई चेंज नहीं हुआ तो मतलब उसमें सी एच ओ ग्रुप नहीं है, मतलब ये लैब टेस्ट है। सी एच ओ ग्रुप की प्रेजेंस को हम टॉलरेंस रिएजेंट से चेक करते हैं, और फेलिंग सॉल्यूशन को से हम सी एच ओ उससे भी चेक करते हैं। इसमें क्या होगा, एक तो ओ इसमें आ जाएगा, देखो सी एच ओ तो सी ओ एच बनाएगा, लेकिन तेरा क्या होगा कालिया, तो ये बनाएगा सी ओ टू ओ, तो नीला है, तभी मैंने कहा तेरा क्या होगा कालिया ब्लू, ठीक है। तो ये बन जाएगा कालिया, सुनते ही अंगार बन गया। फेसबुक में एंग्री का सिंबल याद आ गया होगा, वह वैसे ही रेड प्रेसिपिटेट बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो अगर एल्डिहाइड कंटेनिंग ग्रुप में कुछ बूंद आप डालोगे फेलिंग सॉल्यूशन का, और वो डालने के बाद आपको कलर मिल गया रेड, तो आपकी ये पुष्टि हो गई, ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। एक और है जो एल्डिहाइड ग्रुप को चेक करने के लिए यूज कर सकते हो, तो मुझे लगता है ये बी है, ये सी है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये भी लैब टेस्ट है। और फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग ए और फेलिंग बी से मिलकर बनता है, उसमें एक रोशन सॉल्ट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, ये उसका रिएक्टिंग पार्ट है। इन द सेम मैनर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उसमें भी सिट्रिक एसिड का एक सॉल्ट होता है, तो उसमें हम वहाँ नहीं जाना है, हमको सिर्फ उसका रिएक्टिंग पार्ट चाहिए। तो आर सी एच ओ प्लस टू सी ओ बी एस, मतलब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ब्लू होता है, आर सी ओ ओ एच ये देखिए रेड प्रेसिपिटेट। बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन में वी हैव सिमिलर रिजल्ट। मतलब वैसे तो उसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी चीज़ अगर आपको आएंगी, क्योंकि फिर रिएक्शन तो बहुत सारी हैं, कुछ और भी आएंगी, तो कुछ अगर मेन मेन हमको आती हैं, अभी दो तीन अगर नई भी आती हैं तो हम उसको याद कर लेते हैं, है ना। तो अभी मोटा मोटा करीब 50 मिनट का लगभग एक क्लास 1 आवर की जिसे होती है, वो हमको लगता है कंप्लीट हो गई है। अब इसको आप अगर तैयार रख के और साथ में 3D स्टीरियोकेमिस्ट्री में कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन उसको पढ़ लेना,
और ये जो बताया ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और एक चीज़ मैंने कुछ अभी आपको और शुरू में बताई थी, जो आपकी यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरल कार्बन जो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी देख लेना। वही सब जो तुम्हारी कॉपी में है, ठीक है, तो इसको हमने आपको करा दिया है। बाकी हम लोग अगले टर्न पे मिलेंगे, और डेज तो आपको पता ही है, अपनी क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है ना। आज की क्लास तो मैंने रखी है ऐसे टाइम पर कि किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन अब कल से टाइमिंग जो है वही रहेगी, फिलहाल 4 से 5, है ना, 1-3-5 में 4 से 5। चलिए, जय हिंद।